स्वामी लीलानंद ठाकुर। अब मैं लीला उनके भी लीला सुनाऊंगा अभी मैं। अरे अरे मैं लीला सुनाऊंगा, मेरे साथ सुनो ना, मैं राखो देखी हो। तो बाबा ने शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग दिया बाबा, आत्मा उनके सच सही जाते। अरे बात आत्मा, अरे बाबा की लीला अर्पण पा रही है। वो गए, वो गए उनके पास में, महाराज जी ये लड़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, कि मेरी तो समाधि ठीक बननी चाहिए और आप खुद करोगे वृंदावन में। वृंदावन में तो पागल बाबा खुद, पागल बाबा है ना, सिल्क की धोती और सिल्क का बनियान और चैन स्मोकर ट्रिपल फायर छोटे के ऊपर, जैसे आप बैठे हो ना, इम्पोर्टेड कार, घुंघराले बाल, सांवला कलर। और वो आए, आते ही उन्होंने क्या देखा कि सारे लोग अगल भगत हो रहे, पागल बाबा लीलानंद ठाकुर हमारे आश्रम में बाबा के, सब सब साष्टांग हो गए उनके, सब शांत हटो सब। बाबा के पास गए, गड़बड़ी पास, तो बाबा मेरी बात हो गई, 12 दिन मैं यही करूँगा, अपने हाथ से करूँगा और यही होगी सब कुछ, सब शांत सब अलग। चंदन की लकड़ी से प्योर 12 दिन उन्होंने जो किया, कार्टून वगैरह दाग उनका अपने हाथ से किया, सारा कुछ उन्होंने किया, वही समाधि। जब गए ना समाधि में, वो समाधि है अब देखो आप। उसके बाद समाधि कच्ची थी बहुत, बाद में हमको आदेश हुआ, हमारा तो एक्सपोर्ट हाउस था ना, तो वहाँ पे वो फोटोग्राफी सेक्शन अलग था, क्या रंगा यहाँ पे फोटो तो लगा दिया कम से कम, पहले से ही वहाँ पे पेड़ लगाने का बोला था और उस जगह पे बोला यहाँ पेड़ मत लगाने, इसी जगह में वहाँ पता था समाधि, तो वहाँ पे समाधि जो है ना बनी हुई सीमेंट की बनी हुई चबूती टाइप, हम लोगों खाली छोड़ दिया था, और इतनी बड़ी इससे भी डबल फोटो, उसके आप जाओ देखना, उसके 4 स्टिकर लगे हुए हैं, रंगा 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 मिस ब्राह्मण रंगा परिवार, जैसे व्यास राव होते हैं ना ऐसा, रंगा बीकानेरी मेरे सिस्टर का परिवार, रंगा हमारे हाउस एक्सपोर्ट हाउस का वो मोनोग्राम था हमारा रंगा का, तो वो वहाँ लगाया। और उसके बाद में मूर्ति, फिर बाद में बाबा का हुक्म हुआ, हेड़ाखान बाबा को बोला, ये मत पूछते ईयर, ये सब समाधि के बाद की बातें हैं। तो हेड़ाखान बाबा का ऑर्डर हुआ कि हमारा आसन पता रहो, वृंदावन में, वृंदावन में हम लोग गाड़ी में ले बैठा के बाबा के आश्रम आते सारे दंग दंग रह गए, हेड़ाखान बाबा भोले बाबा आज निमकुल बाबा कैसे आ गए, और स्वामी केशव जी थे, बाबा ने उनको ऑर्डर किया था तैयारी करो साथ, भंडारा हुआ, केशव जी ने सारी व्यवस्था करी। अभी बाबा के समाधि के पास राइट में ना एक यज्ञशाला है, यज्ञशाला जी मैदान था यहाँ पे, तो बाबा के लिए आसन बनाया गया भोले बाबा के लिए, और उनको बैठा के ओम नमः शिवाय का जाप किया और भंडारा हुआ, उस जगह महादेव का मंदिर बना, महादेव का मंदिर है, ऐसी ऐसी लीला है कि आप सोच नहीं सकते। अंकल वो नहीं बोल रही हूँ मैं, उनके शरीर को वहाँ पे जलाया गया जो भी है, यहाँ दिल्ली में ना एक मोटा वैद्य करके बड़ी फेमस डॉक्टर है, अच्छा उनके शरीर नहीं है लेकिन वो बाबा को बहुत मानते थे, तो वो उनको बोला गया कि जब तक हम बाबा की अस्थियाँ लेकर के जौनापुर नहीं आते हैं, आप यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के सामने पूजा करो, क्योंकि वो वहाँ पे अस्थियाँ लगा करके बाबा का विग्रह स्थापित करना था। अब वहाँ पहुंचे लोग वृंदावन से, तो कोई कुछ नहीं, हनुमान जी की मूर्ति के आगे कोई कुछ नहीं, तो उनको फोन किया गया जिसने बोला था कि आप रुकना, कोई नहीं, अरे आपको बोला था कि हनुमान जी का पाठ करो।